हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। इस वीडियो के पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि फ्री रेडिकल से हमें क्या समस्याएं होती हैं, और साथ ही मैंने आपको ये बताया था कि फ्री रेडिकल के जो दुष्प्रभाव हैं जिनके कारण हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनके प्रभाव को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमारी हेल्प करता है। वो कैसे काम करता है, वो कितने तरह के होते हैं, किस तरह से हमारे शरीर में वो बनता है और किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट को एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहा जाता है। देखिए, जो हम खाना खाते हैं वो जब हमारे शरीर में पहुँचता है तो जो हमारे शरीर की ऑक्सीजन है ना, उस खाने से रिएक्ट करती है। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और इसी ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण हमारा शरीर हमारे खाने से ऊर्जा लेता है, और ऊर्जा तो लेता है साथ ही साथ उस समय वो फ्री रेडिकल को भी प्रोड्यूस करता है। क्योंकि फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हुए हैं तो हम फ्री रेडिकल को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि फ्री रेडिकल को समझने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत बार फ्री रेडिकल के बारे में बात करूंगी, तो फ्री रेडिकल को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो हाँ, मैं बात ये कर रही थी कि फ्री रेडिकल को हम ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, और ये जो ऑक्सीडेंट होते हैं इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमारे शरीर में होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट के प्रभाव को कम करने वाला, मतलब एंटीऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट यानी फ्री रेडिकल का पैदा होना नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे शरीर में निरंतर बनते रहते हैं, और इनसे बचने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेंट के दुष्प्रभावों से बचाने में हमारी हेल्प करता है, इसीलिए हम इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी कारण से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनने लगते हैं, लेकिन उस एवज में हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है। और एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम होता है, फ्री रेडिकल को हेल्दी सेल को डैमेज करने से रोकना। क्योंकि हमारे पास इतने एंटीऑक्सीडेंट नहीं है कि वो फ्री रेडिकल को रोक पाए, इसलिए फ्री रेडिकल अपने हमलों को तेज़ कर देता है। मतलब वो एक चेन बना लेता है कि एक हेल्दी सेल को डैमेज किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से एक चेन बन जाती है। तो ये जो चेन बनती है और ये जो इम्बैलेंस होता है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का, और इसी इम्बैलेंस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में गंभीर बीमारियां पैदा करती हैं, जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में एजिंग समस्या को भी उत्पन्न करता है। फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का इम्बैलेंस क्यों हो जाता है, आप ये समझते हैं क्यों हो जाता है ये इम्बैलेंस, मतलब फ्री रेडिकल ज़्यादा बनने लगे और एंटीऑक्सीडेंट हमारे पास कम हो गए। इम्बैलेंस होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, या आप किसी दूषित वातावरण में रहते हैं जिस कारण वायु में कोई हानिकारक सब्सटेंस है जो आप सांस के थ्रू ले रहे हो, एयर पॉल्यूशन, यूवी रेज, जंक फूड बहुत खाते हो, अगर आप हेल्दी फूड कम खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, तो भी हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होने लगती है, इस कारण भी ये इम्बैलेंस हो जाता है। चलिए अब ये समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से हमें कैसे बचाते हैं। फ्री रेडिकल ऐसे एटम एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास अपना जोड़े में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस कारण वो हेल्दी सेल पर हमला करते हैं और उनसे इलेक्ट्रॉन चोरी करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट इस समय क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को दे देता है और बोलता है कि आप स्टेबल हो जाओ और आप हेल्दी सेल पर हमला मत करो। तो इस तरह एंटीऑक्सीडेंट हमें फ्री रेडिकल से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। कैसे बचाता है भाई, फ्री रेडिकल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन चोरी करना, मतलब हेल्दी सेल को डैमेज करते जाना। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट जब अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को दे देगा तो फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएंगे, उनके पास जोड़े का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वो हेल्दी सेल पर हमला नहीं करेंगे, और जब हेल्दी सेल पर हमला नहीं होगा तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाली समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। काम के आधार पर अगर हम एंटीऑक्सीडेंट को बातें, तो एंटीऑक्सीडेंट के तीन काम होते हैं। पहला काम,
फ्री रेडिकल से डायरेक्ट रिएक्ट करना और फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज्ड करना, इसे हम प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। दूसरा काम होता है फ्री रेडिकल को बनने से ही रोकना और उसकी जो चेन होती है ना उसको भी बनने से रोकना, इसे हम सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। और तीसरा काम होता है जो डैमेज मॉलिक्यूल है उनको रिपेयर करना, इसे हम टर्शरी एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। अब हम समझते हैं कितने प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट तीन तरह के होते हैं, एंजाइमेटिक, नॉन एंजाइमेटिक और सिंथेटिक। एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे ऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर में प्रोड्यूस होते हैं, इन्हें प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं। इसका मतलब ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं और फ्री रेडिकल को स्टेबल बनाते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, CAT, SOD एंड GS। सेकेंड, नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे ऑक्सीडेंट जो हमें प्लांट के थ्रू मिलते हैं, मतलब जो हम फल और सब्जी खाते हैं ना उनके थ्रू जो हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं उन्हें हम नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इन्हीं ऑक्सीडेंट को सेकेंडरी एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है, जिनका काम होता है फ्री रेडिकल को बनने से रोकना और उसकी जो चेन है उसको भी बनने से रोकना। नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट भी चार तरह के होते हैं, तो चलिए अब वो समझते हैं। पहला है कैरोटोनाइड्स एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे ऑक्सीडेंट हमें डिजीज से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी आईज को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं और ये ऑक्सीडेंट हमें कैंसर से भी बचाते हैं। इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट हमें ब्रोकली में, शलगम में, तरबूज में, साग में, ऑरेंज में, मैंगो में मिलते हैं। दूसरे होते हैं फ्लेवोनाइड्स एंटीऑक्सीडेंट। ये ऐसे ऑक्सीडेंट होते हैं जो हमें कैंसर, अल्जाइमर और डायबिटीज जैसी डिजीज से बचाते हैं और ये हमारी सेल को डैमेज होने से भी बचाते हैं। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हमें रेड वाइन में, एप्पल में, अनियन में, खट्टे फलों में मिलते हैं। तीसरा है विटामिन से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट। तो इनमें सबसे पहले होता है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। विटामिन ए पोटैटो, कैरेट, मिल्क और एग योक, मतलब एग का जो येलो वाला पार्ट होता है ना उसमें हमें मिलता है। दूसरा आता है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में, हमारी आईज को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन सी ज़्यादातर सभी तरह के खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कीवी, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज। तीसरा होता है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी सेल, बोन और ब्लड वेसल को हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन ई एवोकाडो में, होल ग्रेन्स में, सनफ्लावर सीड्स में और सभी तरह के नट्स जैसे ऑलमंड, हेजलनट, पीनट, इसमें पाया जाता है। नॉन एंजाइमेटिक में तीसरा टाइप होता है मिनरल्स। मिनरल्स में भी तीन तरह के मिनरल्स से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। पहला है कॉपर। कॉपर जो होता है हमारी रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है, मतलब कॉपर खून बनाने में हमारी हेल्प करता है और कॉपर हमारे दिमाग को भी हेल्दी बनाने में हमारी हेल्प करता है। कॉपर हमें ब्लैक बीन्स में, सोया पाउडर में, टमाटो प्यूरी से हमें मिलता है। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हमारी हेल्प करता है और कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में भी हमारी हेल्प करता है। मैग्नीशियम ऑलमंड, ब्राउन राइस, पाइनएप्पल में पाया जाता है। जिंक DNA क्रिएशन में, सेल की ग्रोथ करने में और प्रोटीन बनाने में हमारी हेल्प करता है। जिंक हमें सभी तरह की दालों में मिलता है, उसके अलावा ऑयस्टर में, श्रिंक्स में, पम्पकिन सीड्स में भी जिंक मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट का सबसे लास्ट टाइप होता है सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट। इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट का यूज फूड इंडस्ट्री में होता है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वो इसी तरह के सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उसके अलावा मेडिसिन बनाने में भी सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ होता है।
जैसे जो आप फूड सप्लीमेंट्स वाली टैबलेट्स होती है ना, वो सभी सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट के एग्जांपल हैं। अब आप ये समझ गए हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमें प्लांट के थ्रू से भी मिलता है, सिंथेटिक वे में भी मिलता है, मतलब मेडिसिन के रूप में भी, और एंटीऑक्सीडेंट हमारा बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन तब क्या होता है जब एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए। तो देखिए, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। एंटीऑक्सीडेंट हमारी हेल्प करते हैं फ्री रेडिकल से बचाने में, लेकिन अगर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाए और फ्री रेडिकल उस मात्रा में ना रहे तो भी हमारे शरीर के लिए यह नुकसानदायक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम है इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स को देना, मतलब वो एक तरह का डोनर है। और अगर फ्री रेडिकल ही नहीं होंगे उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो हेल्दी सेल को दे देगा। अब हेल्दी सेल को देगा तो क्या होगा, हेल्दी सेल का डीएनए स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, तो वो स्टेज भी हमारे लिए खराब है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हर चीज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अति या बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और सबसे लास्ट में आपको ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी ये फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, जो ये मेडिसिन के रूप में एंटीऑक्सीडेंट जो मार्केट में मिलते हैं, अगर आप उनको लेना चाह रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह पे लें, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छा से बताएगा कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कभी भी बिना डॉक्टरी सलाह के इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स को आप मत लें। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।